कि आज पवन सिंह पटना नहीं आएंगे क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं और बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 22 तारीख को पटना आने वाले थे अपनी फिल्म हर हर गंगे का प्रमोशन के लिए। पटना में कहीं पे सिनेपोलिस पीएस मॉल है, वहीं पे पवन सिंह अपनी फिल्म हर हर गंगे का प्रमोशन करने आने वाले थे और हमने आप सभी को वीडियो बनाकर बताया था और बहुत लोगों ने आप सभी को बताया था। लेकिन मैं जब वीडियो बना रहा हूँ यानी 4 बजे शाम को बना रहा हूँ, अभी तक पवन सिंह शायद पटना नहीं पहुँचे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबर है कि पवन सिंह अभी पटना नहीं पहुँचे हैं। कुछ लोग एडिटेड वीडियो डाल रहे हैं कि पवन सिंह पटना पहुँच गए, इतना भीड़ लग गया, जो कि पूरी तरह से फालतू और फेक वीडियो है। हाल ही में पवन सिंह अपनी फिल्म हर हर गंगे के बारे में लखनऊ में बोले थे, उसी का आइडिया उठाकर पुराने वीडियो में अटैच करके सब डाल रहा है। और बहुत कुछ बता देंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, छोड़िए, जिसको जो बनाना है बनाने दो। बाकी एक और खबर आप सभी को इस वीडियो में दे देना चाहता हूँ, सिनेपोलिस पीएस मॉल पटना वाला सभी टिकट बिक चुका है। जी हाँ दोस्तों, सभी टिकट बिक चुका है, इसकी जानकारी दिए हैं हर हर गंगे फिल्म के डायरेक्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से चंदन कुमार उपाध्याय। बाकी डायना सिनेमा दानापुर वाला अभी पूरा टिकट नहीं बिका हुआ है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक पवन सिंह पटना नहीं पहुँचे हैं, हो सकता है कुछ देर में पवन सिंह आ भी सकते हैं। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।